सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास में स्पीकर पड़े हुए हैं और इसे हम कहते हैं टावर स्पीकर। तो इसे क्या क्या हुआ है, इसे क्या करना है आप लोग सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड ये स्पीकर मैंने बनाया है और इसे किस तरह से बनाया है हमने वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके वैसे इसे हमने MDF बोर्ड से बनाया है, जो MDF बोर्ड होता है उसे गत्ते के जैसा एक बोर्ड होता है उसे MDF बोर्ड कहते हैं, उसी से हमने इसे बनाया है बॉक्स को। और इसमें हमने जो स्पीकर लगाया है ये गाड़ी वाले स्पीकर लगाए हैं, इसमें एक बूफर लगाया है और सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की है। इसमें आप माइक चला सकते हो, ब्लूटूथ के साथ में मोबाइल चला सकते हो, FM रेडियो सुन सकते हो, सारी 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 चीज़ें जो आप एक होम थिएटर में चाहते हो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें बताई है कि इसे हमने किस तरह से बनाया है और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली है। इस वीडियो में हमने जो भी दिखाया है थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसे हमने किस तरह से बनाया है शायद इस वीडियो को देख करके आपको भी लगे कि हम भी ये बना सकते हैं। तो इसके बाद भी हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि इसका सेकेंड स्पीकर बनाने के लिए मुझे ऑर्डर मिल चुका है और उस ऑर्डर को हम पूरा करते समय आपको सारे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसमें बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, इसमें हमने किस तरह से इसकी फिनिशिंग की है, किस तरह से इसके डब्बे को बनाया है आप भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये है वो स्पीकर और इसे अभी हम फिनिशिंग करेंगे क्योंकि अभी इसके ऊपर जो हमने ये भी यहाँ पे फेविकोल वगैरह सीमेंट जो भरा हुआ है, फेविकोल के साथ में एक पाउडर आता है उसे इन जगहों पे भरना पड़ता है जहाँ पे गैप रह जाता है, तो वो भरा है अभी इसमें और इसमें अभी हम वो फिनिशिंग करेंगे। इसमें कट दिए हैं गोल स्पीकर के और हमारा जो मेन बॉक्स है वो ये वाला है क्योंकि इसके यहाँ साइड में वॉल्यूम सिस्टम लगेगा, यहाँ पे USB सिस्टम, ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी, माइक का सिस्टम भी यहाँ आएगा और इसके पीछे से भी सिस्टम बना हुआ होगा जो एक स्पीकर के लिए कनेक्ट करेंगे वो ये वाला स्पीकर होगा और इस स्पीकर को यहाँ पे वायर कनेक्शन होंगे, यहाँ पे स्विच होगा ऑन ऑफ के लिए और FM रेडियो के एंटीने की वायर होगी और काफ़ी सारी चीज़ें होगी, हम आगे आगे देखते रहेंगे। जबकि मैंने इसे बनाते समय इसका वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था, इसे बहुत जल्दी जल्दी बनाना था और इस वीडियो को अगर शूट करते तो काफ़ी टाइम हो जाता इसको बनाने में, तो इसलिए अभी इसकी फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग के बाद में इसे पेंट करेंगे और इस वीडियो को यहाँ से हम कंटिन्यू देखते रहेंगे। तो चलिए मैं इसे अभी फिनिशिंग के लिए ले जाता हूँ बाहर और इसकी जो घिसाई है वो मशीन से होगी और मशीन से घिसाई होने के बाद में पेंट होगी और पेंट होने के बाद में फिर आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्या फिनिशिंग आई है और फिर हम इसे स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें कनेक्ट करके इसे बजाएंगे कि किस तरह से ये बज रहा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला पेपर है और इसे हम इधर से घुमा के इस लाइन तक इसे कट करेंगे और इसे यहाँ रख करके
तो फ्रेंड ये हमारा बॉक्स अभी तैयार हो चुका है। और अभी तैयार तो क्या हुआ है, अभी इसमें हमने इस स्पीकर की वायर लगानी है, उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम और बेस ट्रेबल के बटन लगाने हैं, और एक माइक का स्विच आएगा, यहाँ पे यूएसबी सिस्टम आएगा जो रिमोट से भी कंट्रोल होगा, और पेन ड्राइव वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे चलेगी। और मेन जो पीसीबी होगी वो इस तरफ से पीछे की तरफ से होगी, जिसमें हम पीसीबी बोर्ड लगाने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि हम इसमें इंक्लूड बैटरी भी लगाएं ताकि 3 से 4 घंटे का बैकअप दे सके। तो चलिए मैं सबसे पहले जो शुरू करूँगा वो यहाँ पर स्पीकर की वायरिंग करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले हम स्पीकर की वायर लगाएंगे, और उसके लिए हमें चाहिए ये वाली केबल। तो इस एक वायर में 10 वायर है, और ये 10 के 10 अलग अलग कलर की वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जितनी भी वायर है इसमें सारे अलग अलग कलर की हैं। तो हम यही वायर लेंगे और इसी का ही पूरा कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये वायर ले लेते हैं, इसमें 2 सिंगल पीस निकालेंगे।
और हमने ये तीनों बटन लगा दिए, अब लगाएंगे माइक। हमें माइक भी चाहिए इसके अंदर, तो हम यहाँ पे माइक लगाएंगे। तो फ्रेंड हमने ये तीनों वॉल्यूम और बेस ट्रिपल के लिए तीनों स्विच लगा दिए, एक माइक के लिए लगा दिया, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये है हमारी ब्लूटूथ पीसीबी। इस पीसीबी में हमें दो चीज़ें निकालनी है। एक यहाँ पे सॉकेट लग रहा है, एक ये सॉकेट लग रहा है। ये जो सॉकेट है ये है हमारे ऑडियो के लिए। तो इसमें तीन वायर होगी, एक लेफ्ट राइट, और बीच की जो होगी ग्राउंड, मतलब बीच वाली जो सेंटर की एक वायर होती है कॉमन होती है। और ये जो है 5 वॉट यहाँ पे डीसी करंट हमें देना है। तो हमें इन तीनों यहाँ से तीन और यहाँ से दो, 5 ऐसे वायर यहाँ से। तो फ्रेंड हम यहाँ पर टेबल पे हैं और ये है हमारी 4440 की पीसीबी है ये, और ये एम्पलीफायर की पीसीबी है। इसमें बूफर साउंड भी बढ़िया निकलता है और ये सारी चीज़ें हैं। और ये हमारा एक तरीके से पूरा एम्पलीफायर सिस्टम या म्यूज़िक सिस्टम आप इसे मान लीजिए। इसमें 4440 की पीसीबी हम इसे इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर ये जो यहाँ पे इसके नीचे जो आईसी लग रही है वो 4440 की आईसी लग रही है। और ये काफ़ी पावरफुल पीसीबी है। अगर आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप उसे वहाँ से खरीद सकते हो। तो इस पीसीबी को हम इसमें लगाने वाले हैं, और उसके बाद इसमें लगाने के बाद हम इसमें साउंड देखने वाले कि कैसा आने वाला है। और यहाँ पे इसके सारे कनेक्शन हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हो कि ये पूरे स्पीकर जो है जो तैयार हो चुके हैं, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हमने इसे कर दिया है। यहाँ पे इसका वॉल्यूम कंट्रोलर लगा दिया है, यहाँ पे इसका बुफर का बेस है बेस कम ज़्यादा करने के लिए, और ये USB पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, ऑक्स केबल लगा सकते हो, सामने से हेडफोन लगाना हो तो हेडफोन के थ्रू भी हम सुन सकते हैं। और यहाँ पे मोड है, आपको कौन सा मोड यहाँ पे चाहिए। और दूसरा यहाँ पे हमने इसके पीछे ये हमने ऐसे लगा रखा अभी, और यहाँ पे इसमें अगर आपको कंप्यूटर या किसी LED TV या बड़ी किसी चीज़ में कनेक्ट करना है तो वो कर सकते हो। ऑन ऑफ बटन हमने यहाँ पे दिया है, और स्पीकर कनेक्ट करने के लिए हमने 2 पोर्ट दिए हुए। जैसे कि अभी इस पे हमने इस वायर पे हमने पिन नहीं लगाई है, तो हमने इसे ऐसे ही हैंग किया था। जैसे कि हम इसे इस पे हैंग कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ये हैंग कर दिया, और इसमें हमने ये पावर केबल लगाई है, और ये एंटीने का। तो इसमें हमने जो भी सारी चीज़ें की हैं काफ़ी जल्दी जल्दी किया है। और इसके अंदर जो स्पीकर लगे हैं ये दोनों ही बड़े वाले स्पीकर गाड़ी के हैं, और ये नीचे के दोनों हैं जो आगे जो फ्रंट में गेट में लगते हैं गाड़ी के अंदर वो है। नीचे 2 छेद दे रखे हैं हवा आने के लिए, बेस जो अंदर हवा दब जाती है उसे बाहर निकलने के लिए, तो ये एयर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसे हम जो कहते हैं इसे टावर स्पीकर कहते हैं, क्योंकि आजकल जो लंबे वाले स्पीकर आते हैं उसी टाइप में इसे बनाया गया है। और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 2.5 फीट की हाइट है, और सामने का फ्रंट इसका 10 इंच का है, और इसका बैक जो है ये वाला साइड का बैक ये 12 इंच का है, मतलब 10x12 इंच का इसका साइज़ है, और 2.5 फीट की इसकी हाइट है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।